सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 11 तारीख को लॉन्च होने वाला है सैमसंग M40 और इसको लेकर बहुत से रूमर्स से और फाइनली इसका स्पेसिफिकेशन बाहर आ गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि सैमसंग M40 फोन का क्या एक्चुअली स्पेसिफिकेशन है और ये फोन आपके लिए वेल फॉर मनी होगा या नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं इस M40 फोन के बारे में पूरा डिटेल्स। इस फोन में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। इसमें रहेगा 6.3 इंच के FHD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, यानी कि OLED डिस्प्ले आपको इस फोन में दिखने को मिलेगा। उसके साथ मिलेगा आपको 5 वोल्ट डिस्प्ले, यानी कि सैमसंग के डिस्प्ले एक्चुअली बहुत ही अच्छा होता है, मगर इस फोन में आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा कुछ 20,000 के नीचे, यानी कि अच्छा क्वालिटी के डिस्प्ले इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। और इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है जो 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि अच्छे क्वालिटी की इसका आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसका PPI है 409, यानी कि अच्छे क्वालिटी की डिस्प्ले आपको मिलेगा। और जो कलर आपको देखने मिलेगा बहुत ही पंची कलर देखने को मिलेगा। और उसके साथ आपको जो अगर आप मोबाइल में मूवी या गेम खेलना पसंद करते हो तो इसके लिए जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है इस M40 फोन के साथ। दोस्तों अभी आते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। इस फोन में जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वह है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर है, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर हमको ऑलरेडी देखने को मिल गया है रेडमी नोट 7 प्रो में। इसके ये जो प्रोसेसर है ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके पहले जो 2 कोर है वो 2 GHz क्लॉक स्पीड में, बाकी जो 6 कोर है वो 1.7 GHz क्लॉक स्पीड में, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका GPU जो है वो है एड्रीनो 612, यानी कि 612 GPU आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि गेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा, आप अच्छे क्वालिटी के गेम इस फोन में खेल सकते हैं। ये एक अच्छे बात है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि सैमसंग के जो एक्जिनस प्रोसेसर रहता है 20,000 के नीचे उसमें गेमिंग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, फ़ोन लैग होता है। इसी कारण सैमसंग ने पहले बार 20,000 के नीचे कुछ प्रोसेसर दे रहे हैं, वो भी क्वालकॉम के, यानी कि अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अभी आते हैं इसके रैम और रोम वेरिएंट में। इसमें लगता है 2 रैम और 2 रोम वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लीक्स में एक ही दिखाई दिया है, वो है 6 GB और 128 GB का, मगर लगता है 4 GB और 64 GB के रैम वेरिएंट भी आएगा। और इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा होगा, जो लीक्स में जो आ गए हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं कि 6 GB 128 GB का जो रैम वेरिएंट आएगा वो कुछ आएगा 20,000 के आसपास, और जो 4 GB और 64 GB के जो आएगा वो कुछ आएगा 16,000 के आसपास, यानी कि 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए कीमत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है रेडमी नोट 7 प्रो से, मगर इसके डिस्प्ले एक हाईलाइट है, इसी कारण ये प्राइस ठीक ठाक लगता है सैमसंग के ब्रांडिंग के ऊपर। दोस्तों अभी आते हैं इस फोन के कैमरा वेरिएंट को लेकर, क्योंकि कैमरा वेरिएंट भी एम सीरीज में बहुत ही अच्छा है। M40 में आपको देखने को मिलेगा रियर में ट्रिपल कैमरा, एक रहेगा 32 MP के प्राइमरी सेंसर, उसके साथ रहेगा 8 MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और एक रहेगा 5 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए, यानी कि आपको कैमरा के तरफ से कोई इशू नहीं आएगा और कैमरा बहुत अच्छे क्वालिटी के आपको देखने को मिल जाएगा M40 फोन में। और इसका जो सेल्फी कैमरा आएगा वो आएगा 16 MP के, यानी कि 16 MP के जो कैमरा सेल्फी आएगा वो भी अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि सैमसंग का कैमरा अच्छा होता है, उसका खुद का ही सेंसर होता है, इसी कारण ये फ़ोन में जो कैमरा आएगा वो अच्छे क्वालिटी का आएगा। और इसका तो डिस्प्ले तो पहले ही बोल दिया है, बहुत अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले आएगा, उसके साथ रियर में ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छा चीज़ है। और फ्रंट कैमरा जो आएगा 16 MP, ये भी एक अच्छा चीज़ है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कैमरा वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो जो सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको जो पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, उस कैमरे के तरफ जो पंच होल है उसको आप आपके तरह बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, यानी कि वो जो पंच होल करके रखा है कैमरा के लिए उसको बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो सॉफ्टवेयर के जरिए, यानी कि ये भी एक अच्छा चीज़ है। आप डिस्प्ले में कितना ब्लैक जगह रखोगे कैमरा के लिए वो आप ठीक कर सकते हो, इसमें कोई सॉफ्टवेयर को लेकर। इस फोन में आपको आउट ऑफ बॉक्स पाई अपडेट देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ आपको सैमसंग UI भी अपडेट आपको मिलेगा, यानी कि
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके सॉफ्टवेयर का। अभी आते इस फोन के बैटरी को लेकर, क्योंकि इस फोन में बैटरी बहुत ही हाईलाइट हो रहा था पहले से, क्योंकि हर एक जगह पे जब भी कोई लीक्स आ रहा था उसमें दिखाई दे रहा था कि 5000 mAh बैटरी इस फोन में आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं आएगा। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 3500 mAh के बैटरी, यानी कि इधर बैटरी की तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ही डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि 4000 मिनिमम बैटरी अभी चाहिए ही चाहिए किसी भी फोन में हो, मगर इसमें 3500 mAh ये एक सही काम नहीं किया है सैमसंग, क्योंकि 4000 mAh बैटरी देना चाहिए जिस हिसाब से प्राइस ले रहा है उसके हिसाब से बैटरी इतना कम नहीं करना चाहिए था, मगर उसने क्या है, मगर एक चीज़ है उसमें आपको USB टाइप सी भी मिलेगा और उसके साथ फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, मगर फास्ट चार्जिंग जितना ही मिला आपको अगर 3500 mAh बैटरी हो एक दिन आपको चलेगा, मगर आपके साथ अगर गेम खेलोगे तो चार्जर लेके ही घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा आप आओगे उसके बाद खेलना चालू करोगे, ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये एक डाउनग्रेड है सैमसंग की तरफ से। मगर अभी तक ये भी रूमर्स है कि 3500 mAh बैटरी आएगा, अगर सैमसंग 5000 mAh बैटरी के साथ ही ये M सीरीज लाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमको बताएं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल वीडियो इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।